नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल इंटरनेट से सीखो में। दोस्तों UGC नेट जून 2020 की जितनी भी एग्जाम है दोस्तों, उसकी जो है अंतिम तिथि बढ़ाई गई है, जो कि NTA ने UGC नेट JNU इग्नू समेत कई एंट्रेंस एग्जाम के आवेदन की अंतिम तिथि जो है दोस्तों वो बढ़ा दी गई है। मैं आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे। तो जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख सकते हैं कि NTA ने UGC नेट JNU इग्नू समेत कई एंट्रेंस एग्जाम के आवेदन की तिथि जो है बढ़ाई गई है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हर न्यूज़ की जानकारी आप सबसे पहले पा सकेंगे। तो दोस्तों मैं लेके चलता हूं आपको इसके न्यूज़ पे, और क्या क्या न्यूज़ में दी गई है मैं आपको सारी जानकारियां देने वाला हूं। तो दोस्तों तो आप देख सकते हो कि NTA ने UGC नेट JNU इग्नू समेत कई एंट्रेंस एग्ज़ाम के आवेदन की तिथि बढ़ाई गई, और यह आप देख सकते हैं कि 30/2020 की दी गई है इसकी न्यूज़, और इसमें दिया गया है आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कोरोना वायरस महामारी और देश भर में लॉकडाउन के चलते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने UGC नेट CSIR नेट और NCHMJE इग्नू PhD व मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम जो कि JNU एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन की तिथि जो है एक माह बढ़ा दी गई है। UGC नेट की लास्ट डेट अब जो है 16 मई कर दी गई है, वहीं CSIR नेट की लास्ट तिथि जो है दोस्तों वो 15 मई कर दी गई है, और NCHMJE की जो कि लास्ट तिथि है वो 30 अप्रैल कर दी गई है, और इग्नू PhD व मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम यानी ओपन मेट की जो कि आवेदन की तिथि है वो 30 अप्रैल, और JNU एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है वो 30 अप्रैल इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR 2020 की 30 अप्रैल कर दी गई है। ऑल इंडिया पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 मई से 31 मई तक चलेगी। और दोस्तों मानव श्रृंखला विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को ट्वीट करके कहा है कि स्टूडेंट इस मुश्किल समय में अपने एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और इसके लिए मैंने NTA को ICAR परीक्षा, JNU प्रवेश परीक्षा, UGC नेट, CSIR नेट, NCHMJE, इग्नू PhD और मैनेजमेंट जैसी प्रवेश परीक्षाओं के आवेदन की अंतिम तिथि जो है एक माह आगे बढ़ाने के लिए कहा है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मैंने NTA को ऑल इंडिया आयुष PGC एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट की आवेदन प्रक्रिया एक माह के लिए स्थगित करने के लिए भी कहा है, और परीक्षा की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी दिया गया है आपका आवेदन की अंतिम तिथि की जो इस प्रकार की दी गई है, जो कि नेशनल काउंसिलिंग फॉर होटल मैनेजमेंट यानी NCHMJE के लिए आपका जो करंट डेट है वो 1/1/2020 की थी, जो कि लास्ट तिथि 30/1/2020 की थी, अब उसे रिवाइज एक्सटेंशन डेट कर दिया गया है 1/1/2020 से 30/4/2020 तक। और इंदिरा गांधी यानी ओपन यूनिवर्सिटी जो कि आपका दिया गया है इग्नू फॉर एडमिशन टेस्ट 2004 PhD और ओपन मैट के लिए जो कि MBA के लिए, उनकी अंतिम तिथि 28/2/2020 से लेकर के 30/3/2020 की थी, और इसे रिवाइज्ड कर दिया गया है आपका 28/2/2020 से 30/4/2020 तक। और ICAR के लिए जो कि इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए आपका जो स्टार्टिंग तिथि थी 1/3/2020 और लास्ट तिथि 31/3/2020 की थी, उसे अब बढ़ा करके 1/3/2020 से 30/4/2020 कर दी गई है। और JNU EE के लिए जो इंट्रेंस एग्ज़ाम थी वो 2/3/2020 के लिए था, और इसकी लास्ट तिथि 31/3/2020 थी, अब जो है उसे 2/3 से करके 30/4/2020 रखी गई है। इसी प्रकार दोस्तों सभी का दिया गया है, जो कि UGC नेट का भी दिया गया, इसकी लास्ट तिथि 16/5/2020 की रखी गई है, जो कि 16/3 से स्टार्टिंग होगी, और
CSIR यानी नेशनल इजेबिलिटी टेस्ट के लिए जो कि जून 2020 का है उसे भी 15/5/2020 किया गया है, और ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो है 31/5/2020 इसकी लास्ट तिथि दी गई है, और इसकी जो स्टार्टिंग तिथि है 1/5/2020 की रखी गई है। और दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जेई मेंस की जो न्यू एग्जाम डेट है और इसकी कब होगी, मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा कि इसकी जेई की जो एग्ज़ाम होगी, जेई मेंस की जो परीक्षा होगी वो कब होगी, मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे, मैं आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और जो भी कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म का इंतज़ार कर रहे हैं इसका जो है एक्सटेंशन हो चुका है एग्ज़ाम का, तो ये वीडियो वो देख सके और सारी बातों को वो समझ सके। सो दोस्तों हमारा इस यूट्यूब चैनल में आप सबका धन्यवाद।